एक मिनट बनाने के लिए। मेरा नाम आशुतोष झलमा टोल में है जी, और मैं जो है एडिटर भी हूँ ग्लोबल समाचार का, ठीक है। मुझे पब्लिक के बारे में, समाज के बारे में, जो आज के समय जो चल रहे हैं घटनाएं जो हो रही है पीटी उसी के सिलसिले में करना है, ठीक है। इसके जो राइटर हैं आजाद जी हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल दे देंगे। नया तरह का कॉन्सेप्ट है कैंप लड़ाने का, जैसे कि आपने टाइटल लिखा है कैंपिटिया रानी का है, वो बच्ची पे आधारित है, बच्ची का स्ट्रगल है, उसके माँ बाप उसको पालते हैं पोसते और फिर स्ट्रगल करके कहाँ तक उसको आगे बढ़ाते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है। अभी हमने पिछली बार 2-3 महीने पहले इसका कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, अब हमें प्लानिंग भी शुरू करने वाले। तो आपने कोई रियल लाइफ इंसिडेंट से ये प्रेरणा ली है, ये स्टोरी लिखा है? घटनाएं की घटनाएं तो होती रहती है, आपको आए दिन कहीं से कहीं मीडिया के ऊपर या लड़की के ऊपर कोई ना कोई आपको न्यूज़ मिलते रहता है, वो टीवी हो रही है, वो पूरा डैन हो रही है, लोग बच्ची को फेंक दे रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें हो रही है, वो तो हो रहा है आपके सामने, नज़र के सामने, हर आदमी इस चीज़ को जानता है। तो हम थोड़ा सा राइटर हैं जो थोड़ा सा इसको सोचते हैं कि इस चीज़ को हम दर्शक के सामने कैसे दर्शाएंगे। सर आज़ादी आज के समय में आप देख रहे हैं बहुत सारे सामाजिक मुद्दे पर फिल्म बनते हैं, तो कितना ज़रूरी है सामाजिक मुद्दे पर फिल्म बनाना और कितना ज़्यादा उस चीज़ को और प्रेरित करना चाहिए लोगों को? देखिए ज़रूरी है, जागरूकता तो लानी चाहिए और हम तो कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि यह गलत है, सारे लोग जानते हैं कि यह गलत है लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, क्या करें, ये क्या बताऊँ, मतलब किस तरह के लोग करें जो शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अत्यंत एक पाप है सर, गॉड ने आपको गिफ्ट दिया उसे एक्सेप्ट कीजिए। अश्विनी आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से योगदान करने वाले इस फिल्म में, और कास्ट क्या है, कास्ट फाइनलाइज हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? प्रकाश जो है पूरे फाइनल हो गए हैं, बस आज मुहूर्त है और हम लोग शूट के लिए। तो क्या इस फिल्म को जाना पहचाना चेहरा रहेगा, कोई ऐसा नाम जो पहले से लोग जानते हैं? हाँ कुछ लोग हैं, जैसे अभी डायरेक्टर जो संतराम जी हैं, उन्होंने बहुत सी सारी फिल्म किया है, अभी 1 जून को रिलीज हुई थी गड़बड़ झाला करके मराठी मूवी, वो भी सुपर हिट मूवी हुई है, तो जो हमारे साथ डायरेक्टर जी है बहुत ही अच्छे हैं। आज की डेट अगर वो नहीं आ पाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, आज की डेट नहीं आने की वजह ये है या जो अपने शूट पे बिजी है जिसकी वजह से यहाँ पे नहीं आ पाए, तो अभी उनसे बात हुई, बोले कि हम जो है शूट पे जहाँ पे शूटिंग हो रही है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो शूट कब से शुरू होने वाला है और कब तक पर्दे पर आने वाली है ये? तो कोई जो है नवंबर तक आ जाएगी। लोकेशन कहाँ रहेगी? लोकेशन जो है मुंबई का ही है और कुछ उत्तर प्रदेश के सीन रहेंगे। नमस्ते, ये बिटिया रानी जो है प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है और इसमें एक मैं माँ का एक कैरेक्टर कर रही हूँ जो कि काफ़ी अच्छा है और आशुतोष दुबे सर जी का है, और ये प्रोजेक्ट बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है और नवंबर तक टेलीकास्ट भी हो जाएगा बिटिया रानी, और इसको काम करने में बहुत ही मज़ा आएगा और जो लोग देखेंगे दर्शक लोग उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा, मुझे करने में मज़ा आएगा, उनको देखने में मज़ा आएगा, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो डेब्यू प्रोजेक्ट से पहले इनको फिल्म में काम किया आपने? हाँ, मैंने साउथ की 2 मूवी की हैं 2014 में एज ए लीड, फिर उसके बाद मेरा कुछ कुछ फोकस अपने घर गृहस्थी में हुआ तो मैंने बीच में प्रोजेक्ट बंद किए हुए थे, फिर उसके बाद मैंने 2 शॉर्ट मूवी किए हैं, फिर उसके बाद अभी ये बिटिया रानी का मिला है मुझे। मैं चाहूँगी कि इसमें मैं अपना बेस्ट से बेस्ट माँ का एक रोल निभाऊँ जो कि हर एक गृहिणी का वो होता है करते हुए कि अपने बच्चों को कैसे वो करना चाहिए, तो बिटिया रानी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मुझे अपना बेस्ट से बेस्ट दिखाने का मौका मिला है और मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूँगी। सर आपने अपना नाम क्या और कैसे जुड़े स्टूडेंट्स को, क्या कहना चाहिए? नाम रवि कावा है, मैं एक बेटी का पिता का नाम रोल कर रहा हूँ, और यहाँ हम ये करना चाहते हैं कि बेटी को जागरूक करना चाहते हैं, देश की बेटी को जागरूक करना चाहते हैं। आपसे कहना चाहूँगा कैमरा मेरे क्या प्लीज़ कैमरा। हाय, मैं अनुराधा श्रीवास्तव। तो अनुराधा जी कैसे जुड़े स्टूडेंट्स से, क्या कहना चाहेंगे प्रोजेक्ट को लेकर? ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और प्रोड्यूसर हमारे जी हैं, मैं इसमें माँ का कैरेक्टर करती हूँ, पहले भी मैंने बहुत सारी मूवी में काम किया है। सर आपसे क्या, वीरेंद्र कुमार, मैं इसमें एक फादर का करेक्टर कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने बहुत सारे शहर वगैरह में अच्छे अच्छे करेक्टर किए, इंस्पेक्टर वगैरह के, तो अभी इसमें मैं फादर का करेक्टर कर रहा हूँ एक बिटिया रानी। ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, इससे देश को कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, देश को ये जानने को मिला है कि बेटी माँ बाप पे बोझ नहीं होती, माँ बाप के लिए एक बेटी भी नाम ऊंचा कर सकती है, यही कहना चाहूँगा। और क्या कहना चाहेंगे?
मेरा नाम सोनिया सैनी है एंड ये जो पीटिया रानी कॉन्सेप्ट है एक बहुत अच्छा है और दूसरी बात आशुतोष दुबे जी के थ्रू मैं इससे जुड़ी हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे एक मौका दिया गया है इसमें और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी जो आपको भी अच्छा लगे और नहीं ये मेरी एक्चुअली पहली फिल्म नहीं है इससे पहले मैं सीरियल कर चुकी हूँ स्टार प्लस का किया है बिग मैजिक का एंड उसके बाद मैंने आतंक का अंजाम अभी लास्ट मूवी की है जिसमें मैंने एक विलन का किरदार निभाया है। तो आपको एक लड़की है बेटिया रानी जो भी है इसमें दिखाता है कैसा मतलब रास्ता होता है लड़की से क्या होता है मतलब फेस करना पड़ता है लाइफ को तो कितना ज़्यादा देखो लड़कियों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है और दूसरी बात ये जो कुछ लोग हैं ऐसे जो लड़कियों को डीमोटिवेट कर देते हैं डिमोटिवेट करते हैं मतलब उन्हें एक तरीके से इतना ज़्यादा वो करते हैं कुछ नहीं कर सकती ऐसा नहीं है। जैसे जो लड़के हैं मेरा मानना तो यह है आज की डेट में लड़का और लड़की कोई कम तो है नहीं दोनों बराबर स्टेज पे हैं तो लड़कियां भी उतना ही नाम रोशन कर रही है और आज की डेट में भी कर रही हैं और लड़के भी उतना ही नाम कमा रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट के अलावा और कोई भी काम कर रही हैं या करने वाली हैं? अभी तो मैं जस्ट ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ और इसके बाद मैं करने वाली हूँ ए मेरे वतन सीरियल आने वाला है जिसका शूट कश्मीर में रहेगा। आप बताइए आपका नाम बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में कैसे जुड़ी हैं? मेरा नाम आराधना जायसवाल है और इस ये प्रोजेक्ट मेरा पहला प्रोजेक्ट है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिटिया रानी प्रोजेक्ट को लेकर। तो बस यही चाह रही हूँ कि बस दर्शकों को मेरा रोल कैरेक्टर जो इसमें है एक बेटी का तो वो बहुत पसंद आए। तो आपको अगर कुछ करने का मौका मिले लड़की के लिए तो क्या करोगी मतलब कुछ भी अगर मौका मिला फीमेल्स के लिए क्या करना चाहोगे? फीमेल्स को ऑलरेडी मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ बिकॉज मैं भी एक फीमेल हूँ तो उनके लिए कुछ करने का मौका मिला तो मैं उनको ऐसे आगे बढ़ाने तक कुछ छह बढ़ूंगी। हेलो सर मैं नेहा सिंह हूँ मैं आगरा से हूँ और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए हैं। बिटिया रानी का प्रोजेक्ट जब मेरे पास आया तो ऐसी कोई थिंकिंग नहीं थी कि मैं ये प्रोजेक्ट करूँगी बट इसका जो कॉन्सेप्ट था एज अ फीमेल एज अ लड़की मैं खुद बेटी हूँ किसी की मेरी मम्मी फैमिली सब कुछ है तो ऑलमोस्ट हम सब ने यूपी वेस्ट में ये सारी चीज़ें देख चुके हैं जो एज अ फीमेल के साथ फेस करना पड़ता है। तो ये बिटिया रानी का प्रोजेक्ट एक ऐसा था कि मैं कुछ पब्लिक को बता पाऊँ कि हाँ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए एज अ फीमेल के साथ या एक लड़की या बेटी के साथ क्योंकि हम सब वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो एक बॉय या गर्ल या लड़का कोई भी हो वो सब कोई कर सकता है। तो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है और हम हर वो चीज़ कर पाते हैं जो एक फैमिली को सपोर्टेड हो। तो बिटिया रानी प्रोजेक्ट करने का सिर्फ यही रीज़न है कि मैं लोगों को अब एज अ फीमेल कुछ ऐसा दिखा पाऊँ जो उनको लगता है कि फीमेल या गर्ल नहीं कर सकती दैट्स इट और कुछ खास नहीं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है पब्लिक को बहुत अच्छा लगेगा इनफैक्ट फीमेल को लिए बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें सीखने को मिलेंगी जानने को मिलेंगी और बाकी सब आप पर्दे पे देखिएगा। तो इससे पहले क्या प्रोजेक्ट में काम किया और आगे कोई प्रोजेक्ट करनी है? कुछ सम सीरियल्स किए हैं देन शॉर्ट मूवीज़ किए हैं थिएटर किए हैं काफ़ी सारे किए हैं बट एज अ बड़ी फिल्म मेरे लिए ये पहला प्रोजेक्ट है और कोशिश करूँगी कि सब कुछ अच्छा कर पाऊँ और अच्छा दे पाऊँ पब्लिक को लोगों को पसंद आए मेरा काम दैट शुड बी। हेलो मेरा नाम मेघा कौर है और मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से आई हूँ। तो मेघा ये बताइए ये प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगी जो है ये फीमेल का जो स्ट्रगल होता है सोसाइटी में उस पर तो क्या कहना चाहेंगी किस तरह से मुझे करें? तो मतलब ये प्रोजेक्ट सुन के पहली बार अच्छा लगा कि मतलब कुछ अच्छा हो रहा है और मुझे अच्छा लगेगा मैं लीड रोल कर रही हूँ तो मतलब मैं बता पाऊँ सबको कि मतलब क्या ऐसा फीमेल के साथ कैसा होता है क्या होता है और आज के डेट पर मतलब कोई लड़की कम नहीं है लड़कों से। तो ये पहला प्रोजेक्ट है या पहले भी आपने काम नहीं मैंने पहले ऑलरेडी कर लिया है रियलिटी शोज किए मैंने और एल्बम्स किए मैंने 8 एल्बम्स और 7 एल्बम्स मैंने खुद कोरियोग्राफ किया और एक एल्बम मेरा खुद का लीड और काफ़ी यंग पढ़ाई ध्यान दे रही है पढ़ाई छोड़ हाँ मेरी पढ़ाई चल रही है। कौन सी क्लास में? मैंने अभी 11th एग्जाम दे के आई हूँ मैं अंडमान से और अभी 12th का। तो मुंबई और अंडमान आना जाना लगा रहता है? हाँ मतलब अभी तो फिलहाल मुंबई में हूँ बस वेकेशन के टाइम में गई थी। जी और आगे कोई प्रोजेक्ट करनी इसके अलावा? जी आगे फ्यूचर कोई प्रोजेक्ट है आपका? आगे फ्यूचर बस मुझे मेरा जो मतलब एम है मेरा जो ड्रीम है वो मेरी है कि मतलब मैं एक अच्छा मूवी करूँ। मेरा नाम इरफान अंसारी है मैं छोटा मोटा आर्टिस्ट हूँ काम काफ़ी सीरियल लोगों के साथ किया बता सकता हूँ ये फिल्म कर रहा हूँ और बाबा करीब रानी डॉक्टर तो काफ़ी अच्छा लगता है और मेरे ख्याल से
बेटियों के लिए अच्छा सब तो ये सब छोटा मोटा स्टार्ट ही और ये हमारे आज़ाद भाई जो है ना काफ़ी पुराने दोस्त हैं हमारे, उन लोगों से हमारी परिचय भी पहली बार हो रही है, लेकिन अच्छे हैं दोस्त, पुराने नए हैं लेकिन पुराने हैं, और मैं सबसे चाहता हूँ कि अच्छे से मिलने का काम करूँ, इसमें जो भी करेक्टर मिलेगा अच्छे तरह से निभाऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि भगवान करे इस प्रोडक्शन को आगे बढ़ाए और सब लोग अच्छे से मिलजुल के काम करें, यही मेरे थैंक यू। मेरा नाम उत्कर्ष गुप्ता है और जिला लखीमपुर खीरी से हूँ यूपी, और बड़ी इसमें मेहनत की है मैंने इंडस्ट्री में, मुझे हो गए 5-6 साल और काफ़ी चीज़ें की है, शॉर्ट मूवी वगैरह की है और सीरियल भी कर रहा हूँ, गांव खेड़ा नाम से मैंने सीरियल की है, उसमें काफ़ी मेहनत की है जो कि 20 एपिसोड हो चुके हैं और आगे प्रोग्रेस जारी है। इस फिल्म में क्या कर रहा हूँ? इस फिल्म में मैं सेकंड लीड कर रहा हूँ और काफ़ी सहयोग रहा है अतुल सर का, तो इन्हीं के सहारे धीरे धीरे अपना अपने आगे बढ़ रहे हैं। कैसे तैयारी चल रही, क्या क्या तैयारियों क्या क्या कर रहा हूँ? तैयारियों में बहुत कुछ किया है, मार्शल आर्ट वगैरह किया है और डांस भी किया है, सिंगिंग भी करते हैं और एक्टिंग में खास करके ध्यान देते हैं क्योंकि आगे एक्टर ही बनना है मुझे और काफ़ी आगे जाना है। सुना है कि आप बेहतर में टाइगर श्रॉफ से आगे निकलूंगा जी, लिए टाइगर श्रॉफ पीछे करने के लिए क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? जी काफ़ी कोशिशें रहती हैं, हर एक्टर की कोशिश होती है कि सबसे आगे निकले और सब कोई मेहनत करता है, तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं भी सबसे आगे निकलूं और मेरा भी नाम हो, बाकी वो लोग हमारे पूज हैं तो कोशिश है कि उनकी तरह बनूं मैं भी और हमारा भी नाम हो। हाजी जिन लोग आए हैं वहाँ जो है महत्व से बहुत ही शुभकामनाएं हैं, यहाँ पे आए और हम लोग के साथ जुड़े रहे, इनके टाइम का समय दिए, इसके लिए सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।